हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 से जुड़ी हुई अपडेट न्यूज़ इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टूडेंट, इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ आदेश जारी किया गया। तो इस आदेश में क्या है जो स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 से बचाव एवं नियंत्रण संबंधी भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश आदेशों का पालन करते हुए आगामी समय में दुर्ग जिला अंतर्गत आयोजित होने वाली सभी स्कूलों की कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के परीक्षाओं को ऑफलाइन माध्यम में से आयोजित करने की अनुमति दिया जाता है। जिला दुर्ग कलेक्टर ने आदेश जारी किया गया है कि इस बार जो कक्षा 1 से 12वीं तक परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड पर आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। ऑफलाइन माध्यम से केवल परीक्षाएं आयोजित की अनुमति होगी एवं सभी कक्षाओं की जो पढ़ाई होगी ऑनलाइन माध्यम से यथावत संचालित किया जाएगा। कोविड-19 से बचाव संबंधी सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावित होगा, प्रभावशील होगा। ये जिला दुर्ग में जारी किया गया। तो जिला दुर्ग में जो भी चीज़ जारी होता है वो सीधे सीधे माध्यमिक शिक्षा मंडल पर प्रभाव डालेगा। तो इस तरह से इस बार की जो परीक्षाएं होगी वो ऑफलाइन मोड पर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है। और ये परीक्षाओं की तिथि भी मार्च के महीने में जारी किया गया टाइम टेबल को, तो तय सीमा के आधार पर ही परीक्षाएं आयोजित होने की संभावना यहाँ दिखते नज़र आ रहा है। क्योंकि बाकी बोर्ड भी अपनी एग्ज़ाम को कराने पर बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी जोर लगेगा ही लगेगा। तो आपको अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करना है, किसी भी प्रकार का आपको लापरवाही नहीं बरतना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।